नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर मयंक रावत है। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। मैं इलाइट क्लिनिक इंदिरापुरम में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और आज मैं बच्चों में डॉग बाइट से होने वाले खतरे के बारे में आपको बताऊँगा। अभी सोशल मीडिया में एक केस आ रहा है जिसमें एक बच्चे को रेबीज़ हो गया, उसने डॉग बाइट हो गई और अपने घर में नहीं बताया, इसकी वजह से उसको रेबीज़ की बीमारी हो गई। और ये जान के मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज की तारीख में रेबीज़ से भी किसी को कोई समस्या हो रही है। देखिए, ये समझने वाली बात है कि रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, टिटनस, यहाँ तक कि कैंसर के लिए भी हमारे पास दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन अगर रेबीज़ का वायरस किसी के शरीर में चला गया और वो उसके दिमाग तक पहुँच गया तो हम उसको किसी भी प्रकार का इलाज नहीं कर सकते। सिर्फ हम उसको देख सकते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। बहुत ही दुखद अनुभव होता है एक डॉक्टर के लिए और उसके परिवार के लिए कि हमें ऐसा कोई मरीज़ देखना पड़ रहा है। आज के तारीख में जहाँ प्राइवेट में रेबीज़ का वैक्सीन मात्र 400 रुपये का उपलब्ध है और सरकारी अस्पताल में फ्री लगता है, उस समय भी ऐसी बीमारी से किसी बच्चे को गुजरना पड़े तो ये बहुत ही दुखद वाकया है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि रेबीज़ होता क्या है। रेबीज़ एक बीमारी है जो एक वायरस के द्वारा होती है और वो वायरस कुत्ते या किसी भी मैमल से, जिसमें चाहे चूहा भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, बंदर भी हो सकता है, चमगादड़ भी हो सकता है, अफ्रीका में तो ज़्यादातर रेबीज़ चमगादड़ के काटने से होता है, तो उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और उसके द्वारा हमारी नसों में जाता है और धीरे धीरे नसों के अंदर, नर्व्स के अंदर अंदर चढ़ता हुआ हमारे दिमाग तक चला जाता है। तो कुत्ते काटने के तुरंत बाद रेबीज़ होगा ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, बहुत टाइम बाद भी रेबीज़ हो सकता है। और कई बार रेबीज़ में हमको ये भी पता भी नहीं चलता कि कुत्ते ने काटा था या नहीं काटा था। तो रेबीज़ की वैक्सीन उपलब्ध है और बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। अब नए जनरेशन के वैक्सीन आ गए हैं जिसमें 3 या 5 टीके ही लगते हैं, पुरानी तरह 14 टीके नहीं लगाने पड़ते और इन टीकों में ज़्यादा दर्द भी नहीं होता। अगर हमारे बच्चे को किसी स्ट्रीट डॉग ने काटा है तो हमें उसको जितने टीके लगाए गए हैं, सरकारी में इसमें अलग शेड्यूल फॉलो होता है, प्राइवेट में अलग शेड्यूल फॉलो होता है, जो आपका डॉक्टर आपके पास जाइएगा और जो आपको शेड्यूल बताया जाए वो फॉलो करिए। इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर किसी के घर में पालतू कुत्ता है और उसको रेबीज़ के टीके लगे हुए हैं तो कई बार हम ये सोच लेते हैं कि उसको रेबीज़ के टीके लगवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि WHO ने साफ साफ गाइडलाइन जारी करी है कि अगर किसी कुत्ते को रेबीज़ का टीका लगा हुआ है, अगर हमने एंटीबॉडी कुत्ते के लेवल चेक करा के ये तय कर लिया है कि इम्यूनिटी आ गई है, तभी हम एक्सपोज बच्चे को रेबीज़ के टीके माफ़ कर सकते। अगर किसी कुत्ते ने, जो पालतू कुत्ता है, उसने रेबीज़ का टीका लगवा रखा है और उसने काटा है तो भी कम से कम 3 टीके बच्चे को लगाने ज़रूरी हैं और आपके चिकित्सक को लगता है तो उस हिसाब से आगे भी टीके लगाने ज़रूरी हो सकते हैं। पालतू कुत्ते में हम उस कुत्ते को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं 10 दिन तक, तो हम लोग 3 टीके पर भी रोक सकते हैं। इसका कोई अपर लिमिट नहीं है, 2 साल 3 साल 5 साल बाद भी ऐसा हो सकता है कि रेबीज़ के लक्षण सामने आए, क्योंकि अगर हमने बच्चे ने इंसान के पैर में काटा है तो जो वायरस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। एक भी बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर कुत्ते ने काटा है या कुत्ते ने अगर लिक भी किया है या कुत्ते ने पंजे भी मारे हैं, कुत्ता अपने या जानवर अपने पंजे चाटता रहता है तो उससे भी रेबीज़ होने की संभावना है। तो फर्स्ट एड आपको घर पे ही करनी है, मतलब जैसे ही आपको मालूम पड़े कि कुत्ते से एक्सपोजर हुआ है, एक्सपोजर में काटना भी हो सकता है, चाटना भी हो सकता है, खनोच मारना भी हो सकता है, तो किसी भी प्रकार का एक्सपोजर हुआ है तो आपको पहले रनिंग वाटर से यानी कि बहती हुई धार में साबुन से रगड़ के उसे कम से कम 10 मिनट धोना है। जैसे हम कोरोना वायरस के बारे में बोलते हैं कि साबुन से धोने से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है, यही असर साबुन का रेबीज़ वायरस पे भी होता है। ये रेबीज़ वायरस भी साबुन से ख़त्म हो जाता है। तो एक साधारण चीज़ जो हम घर पे अपने यहाँ तुरंत कर सकते हैं, वो चीज़ लोग नहीं करते हैं क्योंकि उस बात की जानकारी नहीं होती है। तो किसी डॉक्टर के जाने से पहले, कुछ और कहीं जाने से पहले तुरंत बहती हुई धार में लगातार पानी बहता रहे और आप साबुन से रगड़ते रहो, इससे बहुत सारे रेबीज़ वायरस वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते हैं अगर हुए तो। दूसरी बात ये कि अगर रेबीज़ वायरस एक बार शरीर में नर्व एंडिंग में घुस गया तो हमारे पास ना कोई वैक्सीन है ना कोई दवाई जो उसे वहाँ से निकाल सके। फिर वो उस इंसान का भाग्य है कि वो वायरस उसके दिमाग तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, और पहुँचेगा तो कब तक पहुँचेगा। हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि हम हर बाइट को, हर एक्सपोजर को ये मान के चलें कि ये संभावित रेबीज़ हो सकता है और हम उस व्यक्ति को पूरा पूरा सुरक्षा प्रोवाइड करें जो आज मेडिकल साइंस दे सकती है। अगर इंटैक्ट स्किन पर चाटा है तो वो खतरा नहीं होता अगर उस कुत्ते को रेबीज़ वैक्सीन लगी हुई है, लेकिन अगर वो स्किन किसी तरह से ब्रेक थी यानी कि उस स्किन पे खरोच लगी हुई थी तो वो भी खतरा माना जाएगा। और अगर कुत्ते को रेबीज़ वैक्सीन नहीं लगा हुआ है तो वो चाटने वाला एक्सपोजर भी खतरा ही माना जाएगा। अगर कंफर्म नहीं है, कोई छोटा बच्चा है वो ठीक से बता नहीं पा रहा है, कि कई बार आता है कि बच्चा और कुत्ता खेल रहे थे, स्ट्रीट वाला कुत्ता था,
अब बच्चा गिर गया, उसके खरोंच है, अब ये पता नहीं चल रहा कि ये कुत्ते ने काटा है और किसी ने साफ साफ देखा नहीं है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप खतरे को ना उठाएं, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन लगवा लें, सुरक्षित होगा। इसके आम साइड इफ़ेक्ट हैं जो आम वैक्सीनों के होते हैं, जब वैक्सीन लगाने वाली जगह पर पेन हो सकता है, सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है। सीरियस साइड इफ़ेक्ट उस वैक्सीन के बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और बीमारी कहीं ज़्यादा खतरनाक है तो बिना हेजिटेशन के हमको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, चाहे हमें थोड़ा सा भी डाउट हो। एक ऐसी बीमारी है जिसमें होने पर हम किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम लोग ये सोचते हैं कि हम इसको ओवर ट्रीट करें। हम लोग चाहे हम कितने ही मरीजों को फालतू वैक्सीन देते हैं, पर एक मरीज ऐसा ना छूट जाए जिसको वैक्सीन की ज़रूरत थी और हम वैक्सीन नहीं दे पाए। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि हर बार हम वैक्सीन लगा रहे हैं, किसी को कुछ होता तो नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हम वैक्सीन लगाते रहे और रेबीज़ का एक भी के सामने है, यही हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि सिर्फ वैक्सीन लगे और बीमारी हमें देखने को भी ना मिले। धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।